उसमें देखा कि यार आज पूरा प्रदेश का कर्मचारी जो ना आश है, आश हम नहीं ले रहे, लोग बोल रहे क्या करना, अंदर करोगे ना वैसे ही अंदर कर दो, क्यों यार विधानसभा वालों का टाइम आप खराब कर देगा, कर दो अंदर यार, पर यार ऐसा तो मत कर, पर बात तो करो ना। बैठक हुई है, अब उस बैठक में महासभा का निर्णय लिया है, कब ये महासभा होगी और क्या मुद्दे रहने वाले? हाँ नमस्कार, कल हमारी पूरी कॉन्फेडरेशन की बैठक हुई है, उसमें निर्णय लिया गया है कि हम 17 तारीख को फिर से गेट मीटिंग करेंगे। किन इश्यूज को लेकर, क्या डीए एरियर ही, या क्योंकि जिस तरह से एक प्रिविलेज मोशन आपके खिलाफ लाया गया है मंत्री की तरफ से विधानसभा में, उसको लेकर भी डिस्कस होगा, इसमें क्या मैटर्स रहने वाले हैं? नहीं, निश्चित तौर पर जैसे हमने कल जो हमारी मीटिंग हुई उसमें रोष व्यक्त किया गया, देखिए देश के कर्मचारी हो चाहे सचिवालय के कर्मचारी हो, सचिवालय के कर्मचारी ने विधानसभा में पूरी निष्ठा से पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम किया, रात को 10-10, 12-12 बजे गए, हमने कोई विघ्न नहीं डाला, लेकिन इसका इनाम हमें प्रिविलेज मोशन के तौर पर दिया गया। और ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब कर्मचारी, चुने हुए कर्मचारी नेता को प्रिविलेज मोशन लाया गया उनके खिलाफ। और मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि सचिवालय सेवा कर्मचारी संगठन एकमात्र ऐसा मुझे लगता संगठन है जहां पे चुन के लोग आए जाते हैं। जब हमारे इलेक्शन होते हैं तो 5-5 पोलिंग बूथ होते हैं, सुबह 10 बजे पोलिंग शुरू हो जाती है, शाम को 5 बजे चलती है, उसके बाद काउंटिंग होती है। जबकि बाकी आप देखते होंगे वहाँ पे तो जैसे एनजीओज का ही होता है, जो भी कंसर्न आती है, सरकार आती है, उसके आदमियों को बना दिया जाता है। लेकिन जो हमारी एसोसिएशन है, जो हमारे सचिवालय के एसोसिएशन है, इनके निष्पक्ष रूप से चुनाव होते हैं और ये लोग चुन के आते हैं, यहाँ तक कि मेंबर जो होता है उसको भी वोट लेके आना पड़ता है। तो ठीक है, प्रिविलेज मोशन आया है, हम कोई डरने वाले तो है नहीं, पर जब हमने किसी से पूछा, चाहे वो रिटायर्ड जजेस हैं, चाहे बड़े बड़े वकील हैं, चाहे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, आम आदमी है, कोई भी है, तो सब लोग हैरान है, परेशान है कि भाई प्रिविलेज मोशन ही आया, ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने? क्योंकि प्रिविलेज मोशन लाने का मतलब जैसे विधानसभा थी, अगर हम विधानसभा में विघ्न डालते, हाउस में विघ्न डालते तो प्रिविलेज मोशन आते तो ठीक था, अगर हम किसी को गाली देते विधानसभा में जाके तो प्रिविलेज मोशन लाते, क्योंकि हमने तो वो भी समय देखा एक विरोध करने का, हमने पुतले फूकते थे मुख्यमंत्री के, गालियां देते थे, एक मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो हमने पुतला फूका, तो जब हम गए वार्ता के लिए कहने लगे यार आपने पुतला फूंक लिया ना मेरा, अब बोलो क्या काम है। एक मुख्यमंत्री थे माननीय हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने जब हम वार्ता के लिए गए, तुमने खूब गालियां दी, कोई गाली बची तो नहीं देने के लिए, दे देते, लेकिन फिर उन्होंने बात की। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री, मैं भी आपको ताजा बताता हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम जी, उनको हमने एक बार गिराव किया, क्योंकि लोगों ने मेरा गिराव किया, यहाँ पे कुछ लोग बाहर से आ रहे थे, ट्रिब्यूनल से आ रहे थे, तो लोगों ने मेरा गिराव कर दिया। मैंने कहा भाई मेरा गिराव क्यों कर रहे हो आप, चलो मैं मुख्यमंत्री कर लेते, मुख्यमंत्री आईजीएमसी से आ रहे थे, हमने गेट पे उनका गिराव कर दिया। मुख्यमंत्री कहने लगे क्या भाई, मैं कह रही हूँ मेरा गिराव किया, मैंने आपका कर रहा हूँ, कहते बात क्या है, कहते बैठ के बात होती है, मैं चलो फिर बैठते हैं और मामला सॉल्व हुआ। यही नहीं, पिछली सरकार में तीन मंत्री जो है ओथ ले रहे थे, जब ओथ ले रहे थे ऊपर ओथ हो रही थी, सचिवालय में नारेबाजी हो रही थी, हमने सचिवालय के दरवाजे बंद कर दिए थे, और उन जो तीन मंत्री बन रहे थे ओथ ले थे, उनको शपथ लेने के बाद मंत्री यहां आते हैं, लेकिन उनको विधानसभा पिट ड्रॉप जाना पड़ा था, लेकिन तब भी हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जब हमने अपनी बात रखी, माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री गए कि ठीक है यार, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप था, तब भी हमें मेमो तक नहीं आया। आज देखो क्या हो रहा है, पूरे प्रदेश क्या देश भी जानता है कि ये जो सरकार बनी है कर्मचारियों की बदौलत बनी है ना, और आज कर्मचारी पे इतनी बड़ी बड़ी प्रिविलेज मोशन, मेमो, एक हमने गेट मीटिंग की, गेट मीटिंग में आज तक कभी मेमो नहीं आई हमारे, हम लोगों को मेमो आ गई। आज क्या कहते कुछ बात हो गई, किसी ने हमारे खिलाफ बोला, हमने भी उसका जवाब दिया, तो प्रिविलेज मोशन लाया गया। तो ठीक है, कुछ लो जितना आप कुचल सकते हैं हमें,
वार्ता का रास्ता खुला है अभी अगर सरकार आपको बुलाती है या आप भी पहल कर सकते हैं कि बातचीत हो उसके माध्यम से आपको कुछ समाधान होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, अगर वार्ता को बुलाते तो करें ना वार्ता, हम करने को तैयार है वार्ता करने, कौन नहीं चाहता है, क्योंकि किसी भी समस्या का जो समाधान है वो सिर्फ और सिर्फ वार्ता है, संवाद है। अगर संवाद होगा तो निश्चित तौर पर बड़ी सी बड़ी समस्याओं का हल होता है, इसका क्यों नहीं हो सकता है। अब क्यों नहीं संवाद करना चाहते हैं, क्या बात है, पर हम आभारी हैं जो हमारे और भी मंत्री है, किसी भी मंत्री ने निकाह, किसी भी एमएलए, उन्होंने जानते हैं यार कैसे सरकार आई, सिर्फ और सिर्फ एक। क्या लग रहा है एरियर और डी आपका लटका पड़ा है, अब सरकार कह रही है कि आर्थिक संकट नहीं है हिमाचल प्रदेश में, उम्मीद लगी आपको भी कि हिमाचल प्रदेश में अब जब आर्थिक संकट नहीं है तो आपकी जो ये डिमांडें हैं ये पूरी हो सकती हैं या सरकार छुपा रही है आर्थिक संकट को? देखिए नहीं, हर मैंने कहा कि हर समस्या का समाधान संवाद है, आप बुलाओ ना हम बताते हैं। अगर आर्थिक स्थिति खराब है, होती है, घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है, उसका क्या होता है, बैठ के बात की जाती है कैसी हमने आर्थिक स्थिति ठीक करनी है। हम बताएंगे, हम कोई बाहर के लोग थोड़े हैं, हम इसी परिवार के और माननीय मुख्यमंत्री हमारे मुखिया है, हमें बुलाए हम बताएंगे कि कहाँ से पैसा आ सकता है। देखिए जो डीए है या डीए एरियर है, डीए है और पे स्केल एरियर है, देखो ये देनदारी है, कमाया है लोगों ने, अगर ठीक है आर्थिक स्थिति खराब है तो हम बताएंगे इसका क्या हल हो सकता है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं देंगे, आर्थिक स्थिति ठीक है, खराब नहीं है। नहीं, कुछ लोग कोई कभी कहते हैं कि खराब है, कुछ लोग बोलते हैं ठीक है, तो बैठ के बात होगी ना, हम बताएं। हमारे साथ देखो जो हमारे ये डिप्टी सेक्रेटरी है मैम, है ना, ये भी डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के हैं, सभी लोग डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के, सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के भी हमारे साथ है, हमारे कर्मचारी अधिकारी एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के। आपको क्या लगता संजीव जी की सरकार आपसे वार्तालाप नहीं करना चाहती है इस मामले को लेकर? और ये तो आप लोगों को ज्यादा मालूम होगा क्योंकि हमें कहा गया कि हम वार्ता करेंगे, मैं कहा ठीक है हम भी इंतजार कर रहे हैं, तभी हम नहीं गए। देखो हमारा लास्ट जो जनरल हाउस हुआ था 23 तारीख को था, तो उसके बाद तो हम तो वही कमीज और ट्राउजर में आ रहे हैं कि शायद कब बुला दें माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि हमें तो जीन और टी शर्ट पहनने की आदत है, अब हम इसीलिए ट्राउजर और जीन में शायद कहीं मुख्यमंत्री बुला दें वार्ता के लिए, पर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन वार्ता के लिए तो महासंघ को बुलाया जा रहा है, आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, तो कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि कहीं इश्यू को डाइवर्ट करने की कोशिश है? देखिए डॉक्टर साहब, महासंघ को बुलाया जा रहा है, अभी तो पता ही नहीं कि कौन है महासंघ, क्योंकि कहीं पता चलता कि वीरेंद्र गुट कहीं बोलते हैं, प्रदीप गुट कहीं बोलते हैं, कोई त्रिलोक गुट है। हम तो चाहते हैं किसी को बुलाओ, किसी को मान्यता दो, हम तो सच में चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि हम पूरे प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर है 5 लाख, हमें दर्द है उनका, तभी हमारे को आवाज उठानी पड़ी, किसी को मान्यता नहीं दी है ना, हम तो चाहते हैं कि महासंघ बुलाओ, किसी को मान्यता दो, उनके साथ ये इश्यूज डिस्कस हो। लेकिन अब जब हमारे ऊपर जो मेमो हो गया है, प्रिविलेज मोशन आ गया है, इससे तो पूरे प्रदेश के जो कर्मचारी है, आम कर्मचारी या पेंशनर ही नहीं, आम आदमी आज आहत है कि ये क्या है, आवाज दबाई जा रही है, ऐसा क्या कर दिया भाई हमने, भाई माननीय मुख्यमंत्री मतलब आप मुखिया है, बच्चे हैं आपके, अगर कोई गलती है बुलाओ डांटो, कहाँ गलती हुई है, कहाँ हम जो हमारे से कोई ऐसी गलती हुई है, हमारे को डांटो आप, बुलाओ तो सही ना, पर ये क्या सीधे यार प्रिविलेज मोशन, ऐसा क्या कर दिया भाई हमने, आपकी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही सरकार? नहीं, मुझे नहीं, अब मेरी आवाज या हमारी सचिवालय वालों की आवाज नहीं, मैं आपको साफ बता देता हूँ, ये आवाज आज पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की और पूरे प्रदेश के पेंशनरों की और जनमानस की आवाज बन चुकी है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, आप मेरा मोबाइल देखेंगे ना साहब, आप कुछ डिटेल में पता चलेगा, जब मैं लोगों से मिल रहा हूँ ना, कर्मचारी पेंशनरी आम लोग भी बोल रहे हैं गलत हो रहा है आपके साथ, पर कहते अपनी आवाज को कहते अब धीमा नहीं मत करना। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि कर्मचारी हितेशी सरकार सबसे ज्यादा ओपीएस भी दी और भी ड्यूजी और डीए भी मिलेगा, एरियर भी मिलेगा, लेकिन समय लगेगा। ये स्वागत करते हैं, बिल्कुल हितेशी है, देखिए इन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया, पहली कैबिनेट में निर्णय लिया कि इन्होंने ओपीएस को बहाल किया, बिल्कुल इन्होंने संदेश दिया था कि हितेशी है, लेकिन जैसे कि लोग बोले कुछ लोगों के हाथों में खेल रहे हैं, जो हितेशी थे कर्मचारी के, आज उन्हीं कर्मचारी पे इतने बड़े बड़े वो ले आए प्रिविलेज मोशन वगैरह ले आए, तो गेट मीटिंग के लिए मेमो देना शुरू कर दिया, तो यहां से कुछ संदेह हो रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हो सकता है इनका निजी ना हो, कुछ लोगों के इसमें आ रहे हो बहकाव में आ रहे हो। वैसे मैं ये भी कहता हूं पूरा मंत्रिमंडल कोई नहीं बोल रहा है, किसी ने आवाज नहीं उठाई हमारे खिलाफ, अब क्या है अंदर की बात हम तो नहीं समझते, पर हम तो अब देखो लोगों की आवाज उठाई है, हम लोगों के साथ धोखा तो नहीं कर सकते,
हमें क्या जरूरत थी फिर सचिवालय वालों को, हम तो अच्छी जगह थे। देखो हमने देखा कि यार आज पूरा प्रदेश का कर्मचारी जो ना हताश है, निराश है, कर्मचारी नहीं पेंशन हताश है, निराश है। एक आपने देखा होगा, सुना होगा, 85 साल के हमारे बुजुर्ग पिता समान बुजुर्ग, वो जो है 37 डिग्री के टेम्परेचर में अपना हक मांगने के लिए ऊना में बाहर खड़े हुए। हमीरपुर में आपने देखा होगा, मंडी में आपने देखा होगा, हमारे बुजुर्ग भाई पिता समान बुजुर्ग, हमारी माताएं, मतलब ऊपर से बरसात लगी है लेकिन वो अपना हक मांगने रहे। क्या क्या जरूरत पड़ेगी इनको आज ऐसी? संजीव जी अगला रुख क्या रहेगा अगर आप सरकार वार्तालाप के लिए नहीं बुलाती है? देखिए हमारा 17 तारीख को फिर से गेट मीटिंग है, वो करेंगे। हम अपना जो भी निर्णय ले रहे हैं हम नहीं ले रहे हैं, हम पांच लोग जो है प्रधान है पांचों एसोसिएशन के, हम नहीं ले रहे हैं, लोग बोल रहे क्या करना है, जो लोग हमारे जो जनता बोलेगी हम वही कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है। हम तो एक चीज जानते हैं यार, आप प्रिविलेज मोशन ला रहे ले आओ ना यार, क्या करोगे होगा प्रिविलेज मोशन में, अंदर करोगे ना वैसे ही अंदर कर दो, क्यों यार विधानसभा वालों का भी टाइम आप खराब कर रहे हो, क्यों इतना सारा टाइम वेस्ट कर दो ना अंदर यार, पर यार ऐसा तो मत करो, पर बात तो करो ना। थैंक यू।